नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य BNS गुड फार्म से। दोस्तों आज हम जानेंगे बकरी पालन में डिवार्मिंग का महत्व। डिवार्मिंग का महत्व क्या है, डिवार्मिंग कैसे करें और डिवार्मिंग क्यों करें, डिवार्मिंग का मतलब क्या होता है बकरी पालन में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और कुछ लोग जानते हुए भी नहीं करते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव क्या है। देखिए डिवार्मिंग मतलब बकरी के पेट में जो कीड़ा होता है ये उसका दवा होता है डीवार्मिंग। अब कंपनियां अलग अलग जो है कि बनाती हैं, एक आता है अल्बेंडाजोल और एक दूसरा आता है फेरमेंडाजोल। अल्बेंडाजोल जो है वो खाली बकरी को दिया जाता है और फेरमेंडाजोल जो है वो दिया जाता है गाभिन बकरी को। और बच्चे का डीवार्मिंग आप किसी भी दवा से कर सकते हैं, इसमें लिक्विड सिरप आता है और इसमें टैबलेट भी आता है। और देखिए जैसे कि उधर एक बच्चा घूम रहा है और एक बच्चा उधर है, अब अगर हम इनका डिवार्मिंग नहीं करेंगे 10 से 15 दिन 20 दिन, लास्ट लास्ट एक महीने का जो बच्चा होता है उसका फर्स्ट बार 10 15 20 25 30 दिन में कर देना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो वही बच्चों का ग्रोथ नहीं होता है, उन्हीं बच्चों का जो है कि वो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, फिर उनका ग्रोथ नहीं होता है। ये होता है डिवार्मिंग। और बच्चे देने के बाद अगर आप बकरी का डिवार्मिंग नहीं करते हैं तो बकरी का दूध कम हो जाता है, बकरी का भूख नहीं लगता है और बकरी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसके पेट में वार्म हो जाता है यानी पेट में कीड़े रहते हैं, फिर उसका भी वो ग्रोथ नहीं होता है और वो बार बार बीमार रहती है और हीट में नहीं आती। अगर हीट में आती भी है तो रिपीट हो जाती है। दोस्तों डिवार्मिंग मतलब बहुत छोटी चीज़ है लेकिन यह काम बहुत बड़ा है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप बकरी पालन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मेमना देखिए, हमने जब ये 12-13 दिन का हुआ था तो हमने इसका डिवार्मिंग कर दिया था, और देखिए अभी इसका आज ये 22-23वां दिन है और देखिए आप कितना रिष्ट पुष्ट है। और तो बच्चा जैसे कि मैंने देखा इधर देखिए बैठा हुआ है, आज इसका डिवार्मिंग करना है और आज इसका 12वां 13वां दिन है। अगर हम डिवार्मिंग नहीं करेंगे ये कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और इस बकरी ने देखिए बच्चा दिया है तो इसका भी डिवार्मिंग आज किया जाएगा। अगर आज हम इसका डिवार्मिंग नहीं करेंगे तो ये बकरी का जो है कि पेट का सफाई नहीं होगा, बच्चेदानी का सफाई नहीं होगा और बकरी हीट में नहीं आएगी, अगर आ भी गई तो रिपीट हो जाएगी। देखिए अभी ये बकरी डिस्चार्ज भी कर रही है, आप देखिए। तो डीवार्मिंग ये होता है, जैसे आपके पास बकरा है, बकरा पा आपको सिर्फ बकरा को पाल रहे हैं बकरीद के लिए, त्यौहार के लिए, अपने शौकिया के तौर पर के लिए, हर 3 महीने पर उसका डीवार्मिंग करना चाहिए। अगर आप डीवार्मिंग नहीं करते हैं उसका भी ग्रोथ नहीं होता है, इससे बकरे को भूख नहीं लगता है और बकरे का वजन नहीं बढ़ता है। जब भूख नहीं लगेगा तो वो खाएगा नहीं, जब नहीं खाएगा तो वजन कहाँ से बढ़ेगा। आप कितना भी दाना मिश्रण खिला लो, कितना भी मंडन मिक्सचर खिला लो, कितना भी लीवर टॉनिक पिला लो, कितना भी कैल्शियम पिला लो, ग्रोथ प्रमोटर पिला लो, लेकिन अगर उसके पेट में वार्म है, कीड़ा है, तो आप कभी भी उसका ग्रोथ नहीं कर सकते हैं और बकरी पालन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। तो गांव घर में शौकिया तौर पर बकरी पालन करने वाले हैं, एक बकरी रखते हैं, वो भी बकरी को डिवार्मिंग नहीं करते हैं, उनके बच्चों का डिवार्मिंग नहीं करते हैं। देखिए अभी मेरे पास ये डिवार्मर है, अभी तो क्योंकि वो बच्चा है और उसकी माँ ने बच्चे को दे दिया है तो जन्म, तो अब हम उसका अल्बोमार से डिवार्मिंग करेंगे। और जैसे मैंने अल्बेंडाजोल और फेरमेंडाजोल का नाम लिया और उसके बारे में बताया, इसके अंदर है अल्बेंडाजोल और ये सिरप है और ये ओरली दिया जाता है, और इसका डोज हो या कोई और भी डिवार्मर जैसे लिक्विड है तो उसका डोज होता है 10 किलो बॉडी वेट पर 3 ml। लेकिन क्योंकि ये मेमना है अभी इसका वजन 10 किलो नहीं है, इसका हम 1 से 1.5 ml से जो है कि डिवार्मिंग करेंगे। अच्छे तरीके से निकालने से पहले इसको हिला लेना है यानी सेक कर लेना है और आपको फिर डिवार्मिंग करना है। देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो ये होता है दोस्तों डिवार्मिंग, और डिवार्मिंग का महत्व आपके सामने ये देखिए बच्चा घूम रहा है, ये बच्चा आपके सामने घूम रहा है, इसका क्या महत्व है। और ये देखिए हमने ले लिया 1 से 1.25 ml, और देखिए पता नहीं दिखाइए, ये देखिए ये बच्चा, ये देखिए इसका करेंगे हम डिवार्मिंग। आ जाओ
और दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, बकरी हो चाहे बच्चा हो, डिवॉर्मिंग की दवा जो है ये खाली पेट दिया जाता है, और दवा देने के 1 से 2 घंटे के बाद ही बच्चे को माँ का दूध पिलाएं या बकरियों को चारा खिलाएं। अभी देखिए हमने इसको ढककर के रखा था, अभी हमने निकाला है, इन लोगों ने मेघनी और पेशाब कर लिया है, पेट खाली होगा, दूध पीने नहीं दिया है, अभी भी थोड़ा ढक करके रखेंगे 1 घंटा, उसके बाद जो है कि फिर हम इनको दूध पिलाएंगे। बकरी हो बकरा हो उनके बच्चे हों, खाली पेट दें और दवा देने के 1 से 2 घंटे बाद ही उनको चारा दें, और डिवॉर्मिंग करने का 24 घंटे बाद कम से कम 1 हफ्ते लगातार डोज के हिसाब से, छोटे बड़े जैसे वजन के हिसाब से बकरे बकरियां बच्चे हैं तो आप उनका लीवर टॉनिक जरूर दें ताकि उनके लीवर में कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ये डिवॉर्मिंग है लीवर पर कभी कभी इफेक्ट डाल देता है। तो दोस्तों ये होता है बकरी पालन में डिवॉर्मिंग का महत्व। जब आप डिवॉर्मिंग करने लगोगे तब इसका रिजल्ट आपको मिलेगा हर 3 महीने पर। गाभिन बकरी के लिए अलग आता है, खाली बकरी के लिए अलग आता है। जो गाभिन बकरी के लिए आता है आप उस दवा से खाली बकरी का भी कर सकते हैं और बच्चे का भी कर सकते हैं, लेकिन जो खाली बकरी के लिए आता है गाभिन बकरी को उससे नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटा सा जानकारी था कि बकरी पालन में डीवार्मिंग पेट के कीड़े मारने की दवा का महत्व, शायद आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।